उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के वरिष्ठतम नेता विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया है। बीजेपी की पहली निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे कपूर साहब कैंट क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ और सियासी व्यवहार कुशलता और उपलब्धता के चलते सबके प्रिय बने रहे। वहीं अपने राजनीतिक जीवन में विधायक हरबंस कपूर ने लगातार 8 बार चुनाव जीतकर साबित किया कि वो न केवल जमीनी पकड़ वाले थे बल्कि अजय भी थे। वो हरबंस कपूर ही थे जिन्होंने अविभाजित राज्य में बीजेपी का खाता खोला था। वरिष्ठ विधायक और जनता से जुड़े रहने की वजह से वो अपने समर्थकों और क्षेत्रीय जनता में हमेशा पॉपुलर बने रहते थे। साल आपको बता दें जनवरी 1946 को जन्मे हरबंस कपूर एक कुशल राजनीतिज्ञ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कैंट विधानसभा सीट से विधायक थे। कैंट क्षेत्र में उनका ही दबदबा रहा है। उन्होंने लगातार 8 बार इस सीट पर काबिज वो हुए हैं। इससे जनता के बीच उनकी पकड़ का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। हरबंस कपूर साल 2007 से 2012 तक उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1985 में उन्हें पहली हार मिली थी लेकिन इसके बाद भी वो कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारे और लगातार 8 बार विधायक बने। तो यानी कि उत्तराखंड में आज शोक की लहर देखने के लिए मिल रही है क्योंकि बीजेपी के उत्तराखंड में दिग्गज और बड़े नेता हरबंस कपूर नहीं रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरह से आज सुबह ये खबर आई कि बीजेपी के दिग्गज नेता हरबंस कपूर नहीं रहे और जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में इस समय शोक की लहर देखी जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? सुभाष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सुभाष, जिस तरह से आज ये खबर मिली कि हरबंस कपूर, जो बीजेपी के एक दिग्गज नेता उत्तराखंड में रहे हैं, वो नहीं रहे और इसीलिए पार्टी में आज शोक की लहर भी देखी जा रही है पूरे उत्तराखंड में भी। जी बिल्कुल, उत्तराखंड की भाजपा को बड़ी क्षति आ गई क्योंकि उनके वरिष्ठतम जो नेता है, कहा जा सकता है सबसे वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के हरबंस कपूर, उनको उन्होंने खो दिया है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि हरबंस कपूर के अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो छात्र नेता, जब से उन्होंने छात्र राजनीति में अपने पैर रखे थे तब से वो लगातार आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। चाहे बात कर ली जाए, जब वो डीएवी कॉलेज के छात्र चुनाव उन्होंने लड़ा तो वो अध्यक्ष बने और उसके बाद से ही वो जब मेन स्ट्रीम की राजनीति में पहुंचे, जब उन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा तो तब से लेकर आज तक वो लगातार विधायकी का चुनाव जीत रहे और कहा जा सकता है कि अभी तक एक भी चुनाव वो नहीं हारे। चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार में के समय की बात हो या फिर उत्तराखंड के समय की बात, तमाम जो बड़े बड़े पदों पर वो रहे, उत्तर प्रदेश में वो शहरी विकास मंत्री भी रहे, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड अलग हुआ उसके बाद जब भाजपा की पहली बार उत्तराखंड में सरकार आई तो उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया और विधानसभा अध्यक्ष के रहते उन्होंने बेहतर कार्यकाल किया। लेकिन बड़ी चीज ये है कि उन पर आज तक कोई भी दाग नहीं लगा और एक सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि साफ छवि के नेता वो माने जाते थे और कुल मिला के कहा जा सकता है कि 1988 से लेकर अभी तक वो एक भी चुनाव अपना नहीं हारे हैं। लगातार उनकी पकड़ जनता के बीच इतनी बेहतर रही है कि उससे साबित हो सकता है कि आज तक वो एक भी चुनाव नहीं हारे थे। लेकिन कहा जा सकता है कि आज एक बड़ी क्षति भाजपा को हुई है और कुल मिला के कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए एक संकट की घड़ी है क्योंकि चुनाव नजदीक थे और चुनाव से पहले इस तरीके से उनका जाना कहीं ना कहीं कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा सकता है। जी जी बिल्कुल सुभाष, बड़ी क्षति तो है बीजेपी के लिए क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है और चुनाव भी छोड़िए, लेकिन जिस तरह से, जिस मजबूती से पार्टी को जोड़े रखते थे हरबंस कपूर, उससे साफ तौर पर जो है चीजें सामने आती है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से आपने भी बताया और ये हर किसी ने देखा है कि हरबंस कपूर की जनता में एक बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ थी, यही नतीजा था कि जनता भी उनसे काफी प्रेम करती है क्योंकि हमेशा वो लोगों के मुद्दे उठाते थे, जनता की आवाज वो बनते थे और उनके मुद्दों पर काम भी लगातार पार्टी के उससे करते थे। इसीलिए आज पूरे उत्तराखंड की जनता भी इनके निधन पर शोक जता रही है। जी बिल्कुल, ये बेहद साफ छवि के नेता थे लेकिन ये भी था कि जनता के बीच वो हमेशा बने रहते थे। जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे तब भी वो जनता के बीच रहते थे, विधायक रहते वो जनता के बीच रहते थे। उनकी क्षेत्र की कोई भी समस्या होती थी, चाहे वो रात 2 बजे की हो, वो अपना स्कूटर उठाते थे और अपने स्कूटर से ही अपने क्षेत्र का भ्रमण भी करते थे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनकी छवि इतनी साफ थी कि
लोग उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगाते थे और जो भी काम अगर उनकी क्षेत्र की जनता उन्हें बताती थी वो काम जल्द से जल्द वो पूरा करने की कोशिश करते थे। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि राजनीति में देखा जाता है कि जब बड़े सीनियर नेता होते हैं वो चाहते हैं, उनकी चाह होती है कि वो मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने। लेकिन हरबंस कपूर एक ऐसे नेता थे जो इतने लंबे समय से विधायक थे लेकिन कभी भी उन्होंने राजनीति में कोई बड़ी चाहत नहीं रखी। मुख्यमंत्री बनने की उन्होंने चाहत नहीं रखी, मंत्री बनने की उन्होंने चाहत नहीं रखी। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जब वो भारी बहुमत के साथ जीत कर विधानसभा पहुंचे तो ना तो उन्हें मंत्री बनाया गया, ना विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, ना ही कोई बड़ा दायित्व दिया गया। तो उनकी नाराजगी उसके बावजूद भी नजर नहीं आई, ना पार्टी में ना सरकार में। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो उनके कार्यकर्ता थे वो जरूर नाराज थे, लेकिन जैसे ही सभी चीजों की घोषणा हुई उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाया और कहा कि ये पार्टी का निर्णय और पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पार्टी के लिए पूरी तरीके से समर्पित वो नजर आते थे और यही कारण था कि वो जिस तरह शांत। से आप उनके बारे में बता रहे हैं इससे ही साफ पता चलता है कि कितने मुखर और सिर्फ उनका एक मेन ही लक्ष्य था कि बस सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए आगे बढ़ना है और जनता के लिए ही काम करना है। क्योंकि देखिए आपने भी बताया और ये हर कोई जानता है कि उन्हें कभी भी चाह बहुत ज्यादा नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ वो पूरी तरह से बीजेपी के लिए समर्पित थे। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा उनका एक मोटिव था कि किस तरह से जनता को सुविधाएं दी जा सके और उनके मुद्दे उठाए जा सके। सबसे ज्यादा फोकस उनका उन्हीं पर था और आज के समय में ऐसा राजनेता मिलना बहुत मुश्किल है सुभाष जी। बिल्कुल, ऐसे राजनेता मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसी से साफ हो सकता है कि जब वो पहली बार विधायक बने अपनी सीट से उसके बाद से लेकर आज तक वो कभी चुनाव नहीं हारे। यानी कि उत्तर प्रदेश में पहली बार वो विधायक बने उत्तर प्रदेश की सरकारों में और तब से लेकर आज तक वो अपना एक भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे हैं। जबकि जब उत्तर प्रदेश सरकार में थे तो जो सीट थी वो देहरादून शहर हुआ करती थी। उसके बाद जब उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उत्तरांचल बना, तो कहा जा सकता है कि सीट का परिसीमन हुआ तो देहरादून खास नाम से ये सीट बनाएगी, वो चुनाव भी जीते। और ये कहा जा सकता है कि 2012 में जब सीट का फिर से चेंजेस किया गया, कैंट विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़े तो कहा जा सकता है कि तब भी वो लगातार जीतते हुए विधानसभा पहुंचे। लेकिन ये साफ है कि हरबंस कपूर जी को लगातार जनता का प्रेम मिला और भारी बहुमत के साथ वो जीत कर विधानसभा पहुंचते थे और यही कारण था कि जनता के बीच उनकी जो पहचान थी वो एक आम छवि विधायक के तौर पर थी, आम छवि के नेता के तौर पर थी जिस पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और कुल मिला के वो जनता के लिए काम करना चाहते थे। जी जी बिल्कुल सुभाष, एक साफ छवि रखने वाले हरबंस कपूर थे, इसीलिए आज उनके निधन पर जनता तो मायूस है ही, बड़े बड़े राजनेता भी उनके लिए ट्वीट कर श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं। फिलहाल सुभाष चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में उत्तराखंड से ये बड़ी खबर सामने आई है कि वहां पर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया है, जिसके बाद से पूरे उत्तराखंड और बीजेपी में शोक की लहर देखने के लिए मिल रही है। साथ ही आपको बता दें वरिष्ठ विधायक और जनता से जुड़े रहने की वजह से वो अपने समर्थकों और क्षेत्रीय जनता में हमेशा पॉपुलर बने रहे। 7 जनवरी 1946 को जन्मे हरबंस कपूर एक कुशल राजनीतिज्ञ रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कैंट विधानसभा सीट से वो विधायक भी थे।